जिन माताओं बहनों के भाई नहीं है वो रक्षाबंधन पर इन छह लोगों को राखी बांध सकती है। भाई के अलावा भी परिवार के रिश्तों में किस व्यक्ति को राखी बांधना शुभ माना जाता है और एक धर्म का कार्य है। हालांकि कई माताएं बहनें जो होती हैं जिनके अगर भाई बहन नहीं होते हैं तो वो किसी मुंह बोली अपनी भाई बहन को जैसे पड़ोस में या मिलने वालों में मुंह बोले भाई बहन बनाकर रखते हैं उन्हें भी राखी बांधती हैं। लेकिन भाई के अलावा भी इन छह लोगों को राखी बांधी जा सकती है। हमारे शास्त्रों में पौराणिक धर्म ग्रंथों में ये बात का जिक्र है। वैसे तो दोस्तों रक्षाबंधन पर सबसे पहली राखी ईश्वर को बांधनी चाहिए, क्योंकि रक्षाबंधन पर जो बहनें भाई को राखी बांधती है ना, बदले में भाई क्या देता है, बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है और एक गिफ्ट या तोहफा देता है। तो ईश्वर भी हम सब की रक्षा करें, ईश्वर हम सब के भाई हो गए, तो सबसे पहले राखी ईश्वर को ही बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे ईश्वर हमें हर संकट से बचा कर रखते हैं। ईश्वर को राखी घर का पुरुष और महिला दोनों बांध सकते हैं। बहुत सारे परिवार में सावन पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को भी राखी बांधी जाती है। अभी मैंने आपको एक दो दिन पहले एक खबर का अपडेट भी बताया था कि आजकल मथुरा में इस तरह की चिट्ठियां बहुत सारी भेजी जा रही हैं रक्षाबंधन के त्योहार के मौके पर, कि मेरा कोई भाई नहीं है काना, मेरी शादी की तैयारी भी तुम्हें ही करनी है। मथुरा के बांके बिहारी पहुंची भावुक करने वाली 10,000 से भी ज्यादा चिट्ठियां और राखियां भेजी है माताओं बहनों ने। भगवान श्री कृष्णा को भेजी, काना को भेजी। चिट्ठियों में लिखती है माताएं बहनें कि मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्यारे काना, पहले ही कह देती हूँ 6 दिसंबर को आपकी बहन की शादी है, 1 दिसंबर को ही आ जाना है आपको, और साथ में प्यारी राधा रानी को भी ले आना। हल्दी मेहंदी सभी रस्में पूरी करनी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको भाई वाला काम संभालना है, अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये मतलब माताओं बहनों का भाव है एक ईश्वर के प्रति, अपने कान्हा के प्रति। इस बार आपको बताऊंगा रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त को है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब रहेगा, मैंने आपको कल ही बताया था। तकरीबन 1:30 बजे तक तो दोपहर में भद्रा काल रहेगा, उस समय राखी नहीं बांधनी है। फिर भद्रा के बाद 1:30 बजे के बाद शाम को आप 9:30 तक राखी बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोटा मोटी ये रहेगा शुभ समय, और भी शुभ समय के बारे में डिटेल जानकारी आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। बहरहाल अभी अपन बात करते हैं कि भाई के अलावा रक्षाबंधन पर माताएं बहनें किसको राखी बांध सकती हैं। तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि हम ईश्वर को राखी बांध ही सकते हैं। दूसरा आता है गुरु और शिक्षक, क्योंकि हमारे या किसी भी व्यक्ति के जीवन में गुरु शिक्षक का बहुत ही महत्वपूर्ण और ऊंचा स्थान होता है। ईश्वर हमें जन्म देता है तो गुरु हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन दिखाता है और जीवन का बोध कराता है, अच्छे बुरे का भेद समझाता है। शिक्षक के बिना हमें न सत्कर्म का ज्ञान प्राप्त हो सकता है न ही ईश्वर का। संसार में केवल अधर्म, अराजकता और भय का वातावरण रहेगा अगर गुरु का पद ओहदा नहीं होगा तो। इसलिए दोस्तों समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए राखी बांधकर उनका आभार प्रकट करना चाहिए। इसलिए इस दिन अपने गुरुजनों को भी रक्षा सूत्र बांधना चाहिए माताओं बहनों को। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शख्सियत होती है हमारे जीवन में सैनिक, कोई भी आर्मी का जवान। वैसे तो सैनिकों को हम केवल वीरगति प्राप्त होने या स्वतंत्रता दिवस जैसे अवसरों पर ही याद करते हैं, लेकिन जैसे भाई किसी बहन की अपनी व्यक्तिगत तौर पर अपने परिवार में रक्षा करता है ना, वैसे सैनिक जो होते हैं ना उनके लिए पूरा देश भाई बहन है, उनके लिए पूरा देश उनका परिवार है, क्योंकि वो हम सब की रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ते रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। आज इंडियन आर्मी के जवानों की ही बदौलत है कि हम रात को चैन से सो पाते हैं कि हमारे देश में कोई खतरा नहीं है। हमारी रक्षा के लिए परिवार वालों, समाज, मित्रों और सुख सुविधाओं का त्याग कर जान हथेली पर रखकर घर से दूर खड़ा रहता है एक जवान। इसलिए जो भी माताएं बहनें उनके आसपास रहती हैं या आपके आसपास गली मोहल्ले में कोई इंडियन आर्मी से जुड़ा जवान रहता है तो आप जरूर उन्हें राखी बांधकर अपनेपन का एहसास करा सकते हैं। ये अवसर कभी ना चुके, अगर आपको मौका मिल रहा तो अवश्य सैनिक जवान को राखी बांधे। चलिए अगला आता है पेड़ पौधे। अगर ये सब किरदार आपके जीवन में नहीं भी है दोस्तों तो भी आप पेड़ पौधों को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि मानो या ना मानो दोस्तों पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक जेसी बसु ने भी ये सिद्ध किया था कि पौधे संवेदनशील होते हैं और वे महसूस कर सकते हैं, और डायरेक्टली या नहीं इनडायरेक्टली भी देखो दोस्तों तो पेड़ पौधे एटलीस्ट हमारी जीवन की रक्षा करते हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें छांव देते हैं, हमें सूरज की गर्मी से बचाते हैं, हमें ताजी हवा देते हैं। पेड़ पौधों की ही बदौलत आज हमारे आसपास वातावरण में बारिश होती है, वायु प्रदूषण को कम करते हैं। कितनी भूमिका निभाते हैं हमारे जीवन में पौधे, हम उनकी अहमियत ही नहीं समझ सकते कभी भी, क्योंकि फ्री में मिल रहा है और फ्री की चीजों की वैल्यू होती नहीं है। इसलिए अगर आपके जीवन में असली सगा भाई नहीं है तो आप किसी पेड़ पौधे को आप रक्षा सूत्र जरूर बांधे। जैसे आप बरगद, पीपल, आंवला, केला, शमी, तुलसी, नीम, किसी भी नेचुरल प्राकृतिक पेड़ पौधे को राखी बांध सकते हैं, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये 5-6 मैंने आपको ऐसे ऑप्शन बताए जिन माताओं बहनों के भाई नहीं भी हैं तो भी रक्षाबंधन का त्योहार बेझिझक खुशी के साथ सेलिब्रेट करें। और भी दोस्तों रक्षाबंधन से जुड़ी कोई जानकारियां आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।